आप भी हेयर प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं और अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट और जो कि बिल्कुल नेचुरल हो और आपके हेयर केयर में बहुत ही आपको हेल्प करे, ताकि आपको हेयर थिनिंग ना हो, हेयर फॉल ना हो और भी हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए और आप उसको बहुत ही आसानी से डील करें, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ऐसा ही प्रोडक्ट जो बिल्कुल नेचुरल है, हर्बल है और साथ के साथ ही इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी सी मोस्ट अपडेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो वो है ये प्रोडक्ट मदर स्पर्श का। ये प्रोडक्ट बहुत ही नेचुरल है और साथ के साथ ही मदर स्पर्श अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कस्टमाइज वे में बनाते हैं और ये बनाते हैं एक छोटा सा किट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से बना है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनका स्टेप और किस तरीके से इसको आपको फॉलो करना है और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है और किस तरीके से इसको आप यूज करें तो ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके हेयर थिनिंग को, हेयर प्रॉब्लम्स जितने भी रिलेटेड स्कैल्प में डेंड्रफ है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फॉल होते हैं, अगर आपके बाल बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, अगर आपके बाल लॉन्ग नहीं होते हैं, साथ के साथ ही अगर हेयर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उन सबको रिजोल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल है, इसीलिए आप बिना किसी परेशानी के इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में और साथ के साथ ही आप इसका रिजल्ट फील करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं जल्दी से बताती हूँ इसके साथ हमें क्या क्या मिलने वाला है। हमें इसके साथ मिलने वाला है इनका शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल और साथ के साथ ही एक बहुत ही स्पेशल हेयर लेप। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इसका स्टेप, किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन करना है। सबसे पहला स्टेप है हेयर ऑयलिंग। इनके ऑयल को यूज करके हमको सबसे पहले अपने पूरे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से चम्पी करना है। इनके हेयर ऑयल में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 30 आयुर्वेदिक हर्ब से बना है इनका ये ऑयल और जिसमें ब्राह्मरी, जपापुष्प, भृंगराज और साथ के साथ ही बहुत सारे रेयर ऑयल हैं और ये हेयर फॉल को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करता है, साथ के साथ ही हेयर ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आपके बाल बिल्कुल थिन है तो ये उस पे क्या भी टेक्सचर इम्प्रूव करने में बहुत ही तेजी से हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इस हेयर ऑयल से हमको 5 से 10 मिनट की चंपी करनी है। चंपी करके रात भर आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसमें आपको मिलता है ये हेयर लेप। ये हेयर लेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हेयर लेप बहुत सारे इंग्रेडिएंट से बना है जो कि बिल्कुल नेचुरल है, जैसे कि मेथी, तेजपत्ता, करी लीव्स, मुलेठी, दशमूला और तुलसी जो कि इचिंग को हटाता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ऐसे इंग्रेडिएंट से ये हेयर लेप बना है जो हेयर फॉल को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। ये लेप ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको सिर्फ वाटर में मिक्स करके अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिर्फ वाटर में अप्लाई कर सकते हैं मिक्स करके। मैं क्योंकि मोस्टली संडे को कभी मेहंदी या एलोवेरा अप्लाई करती हूँ, इसीलिए मैं इस लेप को अपने हिसाब से बनाऊंगी। मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ ये हेयर लेप और इसका 2.5 स्पून मैं अपने डेंसिटी के हिसाब से ले रही हूँ और उसके बाद मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ, इसलिए 2 स्पून मैं इसमें मेहंदी यूज़ कर रही हूँ और साथ के साथ ही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ एलोवेरा जूस। आप चाहें तो इसमें को अगर आप कर्ड यूज़ करते हैं तो कर्ड में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ वाटर के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बस आपको एक पेस्ट बनाना है। इसको पेस्ट को अच्छे से अपने स्कैल्प में अप्लाई करने के लिए तो वो पेस्ट आप अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से मिक्स करके बना सकते हैं। आप चाहें तो मेरे वे में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से इसको स्कैल्प में कवर करना है। इस लेप को आपको लगा के अपने स्कैल्प में 2 आवर्स तक के लिए छोड़ना है। उसके बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तब हम इसको रिंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हेयर वॉश। उसके बाद आपको अपने बालों को अच्छे से वाटर से रिंस कर देना है और उसके बाद आपको ये लेप बिल्कुल हटा देना है और ये साथ में देते हैं क्लेंजर। ये क्लेंजर आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। ये क्लेंजर भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट से बना है और इनके क्लेंजर में जवापुष्प, भृंगराज, आंवला, रीठा, शिकाकाई, नीम ऑयल, मेथी और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्कैल्प को बहुत मजबूत करेगा। 100% नेचुरल एंड हर्बल है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, आपको शैम्पू और क्लेंजर अपने स्कैल्प में अप्लाई करना चाहिए और मास्क और कंडीशनर अपने हेयर लेंथ में अप्लाई करना चाहिए। ये मदर स्पर्श का जो प्रोडक्ट है ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। ये आप अपने बालों में बिल्कुल आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 100% हर्बल है। इस प्रोडक्ट को आप इनके वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ के साथ ही अगर आपको कोई भी इश्यू है तो वो आप ड्रॉप कर दीजिए, जिसका रिप्लाई करके मैं आपको उसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है वो जरूर बताऊंगी। अपने हेयर को लॉन्ग करने के लिए और हेयर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से
डील करने के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अपडेटेड वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।